हम लोग सडनली बहुत सारी स्पोर्ट्स मूवीज बनाने लग गए. हमारी स्पोर्ट्स मूवीज हमारे मेडल से ज्यादा हैं. सो कहीं वो जो पीड़ा थी वहां से ये फिल्म आई है. ये ऐसा क्यों होता है कि हम लोग, हमारा देश जो जनसंख्या के मामले में चीन के जस्ट बाद आता है, हमारी जनसंख्या जो है काफ़ी है, और अगर सिर्फ हम वर्ल्ड वाइड इंडियंस को गिने तो हम काफ़ी बराबरी पे हैं, लेकिन हमारे मेडल्स में हम हमेशा कहीं नीचे ही रह जाते हैं, हमेशा मेडल टैली में नीचे रहते हैं. तो क्या चक्कर, क्या क्यों हमारे यहाँ से स्पोर्ट्समैन नहीं निकल पाते? और वो जो है, जब ये ट्रेनिंग पे गए और इनके जो कोच लोग, जितने सारे बॉक्सर्स, इस फिल्म में बता दूं आपको कि इस फिल्म में जरा भी स्टंट कोरियोग्राफी नहीं है, बॉक्सिंग कोरियोग्राफी नहीं है. इन्होंने जिनसे फाइट किया फिल्म में, वो एक्चुअल डिफेंडिंग एशियन चैंपियन नीरज गोयत या दीपक तनवर, जिनको आप ढूंढेंगे, गूगल करेंगे, ही फॉट एक्चुअल बॉक्सर्स इन द रिंग विद नो बॉक्सिंग कोरियोग्राफर. सो एंड ऑल द पंचेस वर रियल. सो द आइडिया वाज जस्ट दैट, कि जब उनके साथ इंटरेक्ट करना चालू किया तब समझ में आया कि हमारे स्पोर्ट्स सिस्टम में प्रॉब्लम कहाँ है. और कहीं ना कहीं एक लव स्टोरी के जरिए, एक फिल्म के जरिए हम लोग जो है वो एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं. तो कहानी एक स्पोर्ट्स, एक्चुअल इट्स अ वेरी प्रो स्पोर्ट्स फिल्म, आई कॉल इट द मोस्ट प्रो स्पोर्ट्स फिल्म, बट इट्स अ फिल्म दैट इज़ वेरी नीडेड. कि हम लोग खामखा एक अजीब से सेलिब्रेशन में चले जाते हैं, हमें एक छोटा सा कुछ मिलता है, हम पागल हो जाते हैं, हम बौरा जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता हमारे साथ क्या हो गया, और फिर हम उसमें भूल जाते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था. एक छोटे से मेडल को इतना ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है कि वो जो छोटा सा मेडल पाने वाला अगली बार वो क्वालिफाई भी नहीं हो पाता. तो हम लोग उस आयरनी को लेकर के अगर एक्चुअली देखें तो वो फिल्म कहीं ना कहीं वहाँ से आई है. और वो फिल्म का एक पूरा प्रोसेस रहा है, बहुत टाइम लगा इस फिल्म को बनने में, और बहुत ही हम लोग ने चुपचाप अंडर द रेडार बहुत सालों से काम किया है. एक डेढ़ साल तो इन सबकी ट्रेनिंग में ही गया है. तो फिल्म स्पोर्ट्स को उस तरह से देखती है कि स्पोर्ट्स में क्या क्या चीज़ों से हम डील करते हैं जिसका एक्चुअली स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं है, ट्रेनिंग से कोई लेना देना नहीं है. जहाँ पे आपके जो कोच हैं, जहाँ पे आपके जो सेलेक्टर्स हैं, वही बॉस हैं. मतलब हमारे ही कंट्री है जहाँ पे स्पोर्ट्समैन जो है इकोनॉमी क्लास में जाते हैं और उनको ले जाने वाले जो हैं सब बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे होते हैं. तो ये आयरनी हमारे ही देश में है और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं मेडल्स. तो ये फिल्म कहीं वहीं से आई है. बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया माहौल.